गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, माई सेल्फ सरिता मिश्रा, मैं आपकी क्लास टीचर एलकेजी की। आप बच्चों, हम आपको हिंदी वर्णमाला में स्वर बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। छोटा आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से उखली, ओ से औरत, अंग से अंगूर। आहा माने खाली। बच्चों बजाइए ताली। थैंक यू। सूरज निकला मिटा अंधेरा। बच्चों, सूरज निकला मिटा अंधेरा। सूरज निकला जब रात होती है, तो रात के बाद जो सूर्य की पहली किरण होती है, उसी को ही कहते हैं सूरज निकला। यानी रात का अंधेरा मिटा और सूर्य की जो पहली किरण होती है, सूरज निकला मिटा अंधेरा। बच्चों देखो हुआ सवेरा। उसी के बाद बच्चों, जब सूरज निकलता है, अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही सूरज निकला हुआ सवेरा। आया मीठी हवा का फेरा। सुबह सुबह बच्चों देखिए, जो हवा चलती है सुबह सुबह, एकदम ताज़ी फ्रेश हवा जो होती है, वो हमारे शरीर में अगर लगती है तो एक अजीब सा ठंड, मतलब एक अजीब सी अनुभूति होती है हमें। तो आया मीठी हवा का फेरा, चिड़ियों ने फिर लिया बसेरा। सुबह सुबह देखिए बच्चों, जो चिड़िया होती हैं वो भी ची ची करती हुई आसमान में उड़ती हैं, अपने बच्चों के लिए दाना चुनने के लिए निकल जाती हैं, और फिर अपने बच्चों के लिए दाना चुन के वापस फिर उसी घोंसले में आ जाती हैं। तो चिड़ियों ने फिर छोड़ा बसेरा। जागो बच्चों अब मत सो, जागो बच्चों अब मत सो। बच्चों, आप लोग सुबह के समय में उठिए। उठने के बाद आप लोग अपना सुबह का वर्क करिए, जैसे आपको सुबह ब्रश करना है, नाश्ता करना है, उसके बाद आप लोग अपना स्कूल का जो होमवर्क है उसको पूरा करिए। इतना सुंदर समय न खो, क्योंकि ये जो समय है बच्चों, अगर ये चला जाएगा तो ये फिर वापस लौट के नहीं आने वाला है। इस कविता से आपका ये मतलब है कि बच्चों, ये जो समय आपका है वो इतना कीमती है कि इसको खोइएगा मत। तो इस पोएम को बच्चों आपको याद करना है और व्हाट्सएप पे इसको हमें वैसे ही वीडियो बना के सेंड करना है। आपको समझ में अगर आता है, मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको मैंने जो भी पढ़ाया, आपको ये स्वर पढ़ाया है, इसके बाद मैंने आपको पोएम पढ़ाई है, ये आपको समझ में आया होगा। और अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं।